गाइज वेलकम बैक टू प्लोई एंड फैमिली चैनल। आज हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्लोई का वार्डरोब। और आपने अपने घर पे देखा होगा कि आपके घर पे आप अपनी वार्डरोब तो जरूर रखते हैं, अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि एक कैट का भी वार्डरोब हो सकता है जिसमें क्यूट क्यूट चीज़ें हैं काफ़ी। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे इसको पूरा डिज़ाइन किया। ये हम लेके आए थे आइकिया से, जो कि है फर्स्ट फ्लोर मिडिल फ्लोर, जिसमें दो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, छाता भी अभी गिरने वाला था, एक बीच वाला है और इसके बाद ग्राउंड फ्लोर है। टॉप फ्लोर पे हमने काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें रख दी जो हमें रोज के मरे में ज़िंदगी में काम आने वाली नहीं है, उसको हम ऊपर रख चुके हैं क्योंकि ये बाई वीकली इसको खा लेता है। मुझे लगा कि आपने ऊपर में टॉयज वगैरह रखे। टॉयज तो है लेकिन इनसे ये खेल खेल के बोर हो चुका है तो इसलिए मैंने इसको... बोर हो गया मुझे नहीं लगता। आप नहीं, देते नहीं, भी हो क्या इसको टॉय खेलने के लिए? दे देखे, ये देखो आप, ये टेढ़ा कर चुका है खेल खेल के। ये टेढ़ा नहीं किया, ये ऐसा ही था। और मैं आपको इसके अंदर दिखा दूं एक गोल्डन चीज, ये हमारे प्लोई गई थी शूट के लिए, ये हमने आपको पिछले वीलॉग में भी दिखाया था तो आप डिटेल में बता देते। पैंटलून के वीलॉग, पैंटलून के ब्रांड वीडियो शूट पे गई थी, उसमें इसको पूरा वैनिटी वैन दिया गया था, काफी इज्जत मिली हमारे छोटे से कैट को। तो यहाँ पे बेसिकली आपने इसके इलेक्ट्रॉनिक टॉयज रखे हुए और कुछ एक इसका वेट फूड रखा हुआ है, कैन फूड है फर्स्ट कंपार्टमेंट में। अब चलते हैं नीचे वाले कंपार्टमेंट में। तो यहाँ पे आपने क्या क्या रखा है बाहर दिखाएंगे? हाँ दिखाएंगे, बाहर भी दिखा देंगे। ठीक है, ये कैट है कि अपने जगह अपनी चीजों को दिखाने दे दे तो मैं दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसके कपड़े, ये है इसकी गुची की टी शर्ट। ओके ठीक है, तो ये आपने सब कस्टमाइज बनवाए हैं कि आप रेडीमेड लेके आए हैं? हमारे तो क्लोथ बहुत सस्ते आ जाते हैं, इस मैडम के डिजाइनर हैं तो डिजाइनर भी अलग अलग है, जो इनको पसंद आता है डिजाइनर को एक्सेप्ट करता है, जो पसंद नहीं आता उसको रिजेक्ट कर देता है। हर ओकेजन के लिए इसने कपड़े ले रखे हैं। ये है इसके विंटर के कपड़े जिसको पहन के ये स्नो में गया था। यह इसका फेस्टिव के कपड़े, जो रेड कलर के कपड़े, जो कभी बैंड बाजा वाले भी बुला ले तो शायद इसमें भी पहन के जा सकता है। शेरवानी है यूमेंटो से। हाँ मतलब आप जो भी कह ले, ये है इनके कूल टाइप के शर्ट्स, कूल एनिमल प्रिंट कूल। कभी इसको अगर किसी को इम्प्रेस करने जाना हो तो ये कूल पहन के जाता है, कभी भीड़ में जाता हो तो नियॉन पहन के जाता है ताकि खुद दिख जाए, बाकी दिखाई ना दे कोई भी कैट वहां पे। ओके, काफी दिमाग वाला है ये, अपने जहाँ जा रहा है उसके हिसाब से कपड़े पहनते हैं। अब हल्की सी ठंड आ गई तो हाफ स्वेटर भी मंगा रखा है दोस्तों। ये तो मुझे लग रहा है हैंडमेड है, पूरा पूरा हैंडमेड है, मार्केट में मिलता ही नहीं, हम मंगवाते हैं तो बनवा के। सब कुछ हैंडमेड है। इसके पास येलो कलर की शर्ट भी है, फ्रॉके भी है। तो आपके हिसाब से इसके पास में कितने ड्रेसेस होंगे इसके कलेक्शन में? देखो मैंने काउंट तो नहीं किया बट 200 के ऊपर तो कम से कम इसके पास कपड़े हैं, जो कि मेरे पास खुद के पास नहीं है, और मेरे और मेरी वाइफ के मिला के हमारे पास 200 कपड़े नहीं होंगे, लेकिन इस मैडम के 200 न्यू ब्रांड न्यू, पुराने तो ये फेंक चुके, ब्रांड न्यू 200 कपड़े हैं। और आप बोलोगे खाने के लिए कोई कमी नहीं है, अलग अलग फ्लेवर के खाने। और ये सब क्या रखा हुआ है इधर? हमने इसका इंस्टाग्राम पे तो देखा ही नहीं अभी तक कंटेंट। नए शेरवानी मंगा रखे हैं, अभी कंटेंट बनेंगे इसके। ओके, अलग अलग शेरवानी मंगाई है, जो कि मुझे लगता है ऐसे लग रहा था किसी शादी में जाएंगे लेकिन शादी में तो नहीं जाएगा। और इसने अपने चश्मे भी मंगा रखे हैं, ये देखो चश्मे, जब मन करे धूप और चश्मे लगा के निकल लेता है बिलाओ हमारा बाहर। वेरी ब्यूटीफुल। चश्मों का कितना कलेक्शन है? यहाँ पे मेरे को एक नेम टैग भी दिखाई दे रहा है। 6-7 चश्मे इसके पास है और खरीदता रहता है, बोल रहा की और लेके आओ मेरे लिए। अभी बोले शनैल का चश्मा ले आओ, गुची का ले आओ, कहाँ से ले आए भाई, है ना? तो शनैल बनाते नहीं, हमने बोला शनैल अंकल को कि इसके बिलाओ लोगों के भी चश्मे बनाओ। अंकल को क्या, आंटी को? आंटी है क्या? आंटी को बोल देते कि हमारे बिलाओ के लिए भी शनैल का चश्मा बनाओ ताकि हम इसको शनैल का चश्मा। ठीक है, ग्लो इन द कैट या ग्लो इन द डार्क है। ओह, तो आपको मैजिक दिखा दूं क्या? दिखा दूं? नहीं, क्या जरूरत है, बाद में दिखाते हैं, लास्ट में दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी नीचे वाले कंपार्टमेंट में चलें। नीचे हमने रखा है इसका ट्रैवल बैग, ये लेके गाड़ी में अपना पैक करके निकल लेता है कहीं भी घूमने। okay. यहाँ पे इसके लीशेज वगैरह है, बंडाना दिख रहे हैं इसमें, ऑर्गेनाइजर है ये बंडाना और लीशेज। दिखाइए थोड़े बंडाना, एक दो निकाल के क्या है, किस टाइप के होते हैं बंडाना? ये मुंबई इंडियन का फैन वाला बंडाना। ओके, फिर ये कलरफुल बंडाना। ओके ओके, अलग अलग टाइप के बंडाने, बंडानों को भी कम से कम 100। तो आपने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है इसके अंदर? हाँ, 100 बंडाने होंगे इसके अंदर। ओके, और इसके बाद ये जो है अंदर इसके लीशेस एंड कॉलर है। ओके, तो इसको भी ये भर रखा है, अगर आप देखोगे यहाँ तक पूरा भरा हुआ, मैं पूरा निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन ये भरा हुआ है। 150-200 से इसके पास लीशेज होंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकल आई है, अब अलमीरा खुली गई है तो मैं आपको दिखा दूं। पेज नंबर बताओ आप। 17 आई गेस।
17 में तो नहीं है, 21। हाँ ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन निकली है देखो इसके अलमीरा से, कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन जो कि बहुत ही पॉपुलर मैगजीन है, जून का एडिशन है। ओके इसमें आप देख सकते हैं कि प्लोई की फोटो छपी है, प्लोई द कैट। अब आपको गाय समझ में आ गया होगा कि इसका वार्डरोब हमने क्यों बनाया है। बियॉन्ड द फैशनेबल लुक्स, प्लोई हैज बिकम अ ट्रस्टेड सोर्स फॉर फैशन इंस्पिरेशन। तो ये आपको कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन में भी मैडम की फोटो छप चुकी है जो हमारी को आज तक नहीं छपी है। इसका बैग रख देता हूँ क्योंकि इसको ट्रैवल करने जाना है वापस। ओके ठीक है, अब आते हैं लास्ट कंपार्टमेंट में। लास्ट कंपार्टमेंट में तो इसके बोझ ही बोझ है, इतने बोझ इतने चश्मे, मैं आपको क्या बताऊं। ये अगेन धूप में स्मार्ट दिखने वाला चश्मा, मतलब चश्मा भी अपने ड्रेसेस के साथ में मैच करके पहनता है बिल्कुल। और बोझ इतने हैं कि खोले भी नहीं अभी तो, चश्मे भी कुछ नए ला रखे हैं जो खोले नहीं, इतने कपड़े। और आई थिंक इसका फूड का भी कंपार्टमेंट यही लग रहा है मुझे, बिकॉज मुझे काफी इसका फूड दिख रहा है। फूड हमारे पास इतना है, ये है वो है, ये फूड भर रखे हैं। हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा फूड जाके और भी कैट्स को खिला के आ जाते हैं, क्योंकि क्या है कि हम इतना फूड तो ही खाएगा नहीं, लेकिन इसके पास है बहुत। करेक्ट, तो अब हम दूसरे कैट को खिलाते हैं क्योंकि एक्सपायर हो जाएगा तो क्या फायदा। दैट्स ट्रू, है ना। तो ये थोड़ा सा रईस कैट बन चुका है आजकल, जो कि अपना कैट खुद तो खाना खाते ही और कम से कम एक महीने के अंदर 200-300 कैट्स को खाना खिला देता है। ये बाहर बारिश हो रही है दोस्तों, अभी मैंने देखा एक बंदा पानी में उछल उछल के जा रहा था लेकिन बहुत काफी सही बारिश हो रही है आज तो। ओके तो अभी आप मैजिक दिखाने वाले थे कुछ हमको, मैजिक तो कैट के अंदर बैठक लगी है। प्रेस इट ना, नहीं पावर भी लगाना पड़ेगा। ओके इट वर्क्स, हाँ हाँ जो आप बोलोगे रिपीट करेगा। प्लोई द कैट इज अ सेलिब्रिटी, प्लोई द कैट इज अ सेलिब्रिटी। हाँ हूँ मैं पॉपुलर, तो क्या कर लेगी दुनिया, मुझे पता है मैं पॉपुलर हूँ, देखा। तो चलिए गाइस फिर आज का वीलॉग अगर आपने यहाँ तक देख लिया है आप प्लीज को बंद करिए, ये तो कुछ ज्यादा ही फनी टॉय है, मेरे को भी रिपीट करना। चलो दोस्तों ये तो टाइम पास होता रहेगा, हाँ। इसको हमने ऊपर रख दिया क्योंकि ये फिर प्लोई पसंद नहीं करता ज्यादा, करेक्ट, क्योंकि वो रिपीट करता है। तो आई होप कि आप लोगों को इसका वार्डरोब टूर अच्छा लगा हो। आप बताइएगा अगर आप और भी डिटेल में अगर वार्डरोब टूर चाहते हैं, इसके ड्रेसेस देखना चाहते हैं, ये सब जो भी हमने कस्टमाइज करके बनवाए हैं, लेट अस नो इन कॉमेंट्स। और मिलते रहिए यहाँ पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब।